बात किसानों की करते हैं, क्योंकि किसान अपने आंदोलन को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। आज सांकेतिक रूप पर उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स को हाईवे पर खड़ा किया है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये सीधे तौर पर उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। ये चार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर, संगरूर, मोहाली और ग्रेटर नोएडा की, जहां पर ट्रैक्टर के साथ ये किसान जो है वो पहुंच रहे हैं अपने प्रदर्शन को, अपने विरोध को जताने के लिए। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, राकेश टिकैत उनके साथ मौजूद हैं। कुमार कुणाल, जरा पूछिए आगे की उनकी योजना क्या रहने वाली है। बिल्कुल अर्पिता, इस समय हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है, आपको बताएं कि सारे के सारे जो भी हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है। राकेश जी, ये बताइए कि क्या आगे की योजना है, ये जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा। ये हाईवे भी दिल्ली के ही हैं, सरकार बातचीत से समाधान निकाल ले। दिल्ली पहले भी आए, दिल्ली जरूरत होगी फिर आ जाएंगे। लेकिन हमारा ये है कि क्यों किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो। तो ये आप क्या चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंशा पर भी सवाल उठ रहा है? चुनाव में नहीं, हम अभी नहीं जा रहे, हम कि चुनाव में हम जा रहे अभी नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली जाना होगा तो चले जाएंगे। चुनाव में नहीं हम जा रहे, दिल्ली के चुनाव से पहले हम जा रहे हैं, वो नहीं जा। हमारा तो अब तो 14 मार्च का प्रोग्राम है, एक दिन का है, बगैर ट्रैक्टरों के बगैर उसका है। अभी आपके हाथ में इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, तो ये जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों को आपने मोड़ करके रखा हुआ है, ये आपका बस ये कहना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे, अभी जाने की तैयारी नहीं? अभी नहीं हमारी, जब जाना होगा तो चले जाएंगे। लेकिन कई सारे संगठन इस समय हरियाणा बॉर्डर पे, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं, उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये बात होती है कि आप अलग थलग तो नहीं पड़ेंगे? संयुक्त मोर्चा ये कॉल है कि हम एक बार हाईवे पर ट्रैक्टर लगाएंगे। जो उन किसानों के साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने, सरकार ने करा है वो गलत है। और आज भी आप देखोगे कि हरियाणा की सड़कों पे आज ट्रैक्टर है वहां पे, और उनका मूवमेंट है वो चला हुआ है, उनकी कमेटी है वो सरकार से बातचीत कर रही है। तो हमारा ये है कि सरकार अपना बातचीत करे, उस कमेटी से भी बात करे, जो चीजें हैं उसका समाधान निकाल ले। लाठी गोली से आप किसान को दबा नहीं सकते। तो अगर सरकार नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो आगे क्या आपकी रणनीति है? स्कीम का अपना प्रोग्राम है, हम 14 तारीख को हमारी मीटिंग है, 14 तारीख को अपने फैसले लेंगे हम, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया, अब कुछ होना नहीं है। कोई पॉलिटिकल विरोध भी करेंगे, क्योंकि कई सारे जो सरकार के से जुड़े हुए दल है उनका विरोध गांवों में? हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जो लोग ये खड़े आज ट्रैक्टर पे, ये सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं। तो हम पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, किसान संगठनों को अपने आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे, लेकिन आंदोलन में हमारे साथ में है। तो कुल मिलाकर के अर्पिता, आशुतोष और राजीव, ये जो यहाँ पर ट्रैक्टर पर हम इस समय चल रहे हैं, तो ये यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांग तो रुख दिल्ली की तरफ का है, जब चाहे तो ये दिल्ली की तरफ इस मोड़ देंगे। जी, दिल्ली 159, वो सामने आप बोर्ड देखोगे, 159 किलोमीटर है। अभी आपको बोर्ड दिखाते हैं पहले दिल्ली के, चलो। तो ये टिकैत साहब कह रहे हैं कि यहाँ से 159 किलोमीटर का बोर्ड दिखा रहा है, जो मील का पत्थर है वो 159 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अगर जरूरत पड़ी तो 159 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से दिल्ली, तो हम कभी भी कूच कर जाएंगे। और अपनी ट्रैक्टर की रफ्तार भी बढ़ा दी है, बढ़ा दी दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ को हमारे ट्रैक्टर बहुत मजबूती से चले हैं। ऐसा क्यों? बंजर जमीन हो तो 4x4 काम करें, दिल्ली के बैरियर हो तो 4x4 तो तोड़े ही है। ये कतार है ट्रैक्टर की जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने तस्वीरों के जरिए, कि यहाँ पर जो अलग अलग किसान जो संगठन के लोग हैं उन्होंने अपने ट्रैक्टर को एक कतार में लगाया हुआ है। और एक कतार में जो आपको हम इस समय कतार दिखा सकते हैं कि ट्रैक्टरों की कतार
ये जो दिल्ली को जोड़ने वाली हरिद्वार दिल्ली हाईवे है उसके ऊपर इस समय खड़ा है। एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है और राकेश टिकैत खुद स्टीयरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ सीधे बॉर्डर पे और दिल्ली 159 किलोमीटर, ये लिख रहा हो ना, बोर्ड दिखाओ। आपके कैमरा बढ़िया देखता है ना भाई, आज तक का कैमरा है वो दुनिया देखती है। तो बिल्कुल मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा, कोशिश करेंगे हमारे कैमरामैन जो अभिषेक है हालांकि ट्रैक्टर पर है, तो वो दिखाएंगे कि जो दिल्ली की दूरी है, यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है वो 159 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें, ये प्रदर्शन की तस्वीर, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली अभी नहीं जा रहे हैं लेकिन दिल्ली दूर भी नहीं है, तो दिल्ली हम जाने से संकोच भी नहीं करेंगे। कुमार कुणाल, लेकिन वो कह रहे थे, किसानों ने कहा था कि ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहां तो ऐसा लगता है कि पूरा मार्ग बाधित है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, कई जगहों पर तो ट्रैक्टर सिर्फ खड़े हैं, तो लोगों को तो दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर को खड़ा किया गया है। और एक तरफ से ये भी पूछ लेते हैं राकेश जी, कई सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है, जैसे दिल्ली जाने में दिक्कत भी हो रही है, तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही, ये वहाँ नोएडा में बैठे हुए उसमें दिक्कत चैनल वालों को जरूर हो रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दिक्कत तो होगी ना, एक रास्ता अगर बंद है तो देखो कितना बढ़िया चल रहा, देखो फटाफट चल रहा रास्ता। हम रास्ते जाम नहीं करते, हम इन्हें दिखाते हैं कि हम सड़क पर खड़े, भाई हमको भी देखो। प्रदर्शन क्या होता है, प्रदर्शन ये होता है कि लोग आते जाते लोग देखें, ये नया ट्रेंड है, रास्ते जाम करने की जरूरत ही नहीं, खोल लो तो इनके खाने पीने का भंडारा का इंतजाम करो, दिल्ली का देखो खाली पड़ा पूरा ट्रैफिक। तो ये कहना है कि एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, एक तरफ ट्रैफिक जाम, अब एक तरफ ट्रैक्टर खड़े हैं, तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है। लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली का। क्यों क्यों रोकेंगे दिल्ली का रास्ता, सरकार का रोकेंगे रास्ता, सरकार का रास्ता रोकेंगे, तो सरकार के खिलाफ चलाएंगे आंदोलन, और कहीं के खिलाफ चलाएंगे आंदोलन। तो चुनाव है ना, तो चुनाव के वक्त भी कहेंगे क्या कि अब इस समय ज्यादा सरकार के हाथ आप मरो, सब वो तो सब जनता को पता है किसको क्या करना, सब पता है। नहीं तो लेकिन नेतृत्व तो आपका है, तो आप तो गाइडेंस देंगे ना, क्या करेंगे, तालाब की बता देंगे, टाइम पे बताओगे, जब टाइम आएगा सब पता। आज तक के सारे दर्शक देख रहे हैं, लाखों करोड़ों दर्शक देखते हैं, तो उनको भी तो बताएंगे आप। हाँ वे देखो जा, सरकार क्या क्या कर रही हो देखो जा, सब पे वार सब पाएगा। तो ये कुल मिला करके कह रहे हैं क्या कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा, समर्थकों को बताया जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। तो इशारा साफ है कि आने वाले समय में रणनीति बदल भी सकती है। 14 मार्च को दिल्ली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है, तो जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये जो किसानों का आंदोलन है वो भी अलग अलग नए तौर तरीकों से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है कुणाल, कुणाल जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। और जेवर में भी ट्रैक्टर यात्रा निकालने की कोशिश थी, ट्रैक्टर मार्च को वहां पर रोक लिया गया। अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जेवर से, देखिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसान इस समय सड़कों पर है और ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें आपको यूरोप की याद दिला रहे होंगे, वहां भी किसानों का आंदोलन कई देशों में चल रहा है। लेकिन एक तरफ पंजाब और हरियाणा की सीमा पर डटे किसान, तो दूसरी तरफ सड़कों पर ये ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें। यहाँ इनकी मांग दरअसल सिर्फ एमएसपी की गारंटी के लिए कानून नहीं है, बल्कि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारतीय किसानों के हितों को बचाया जा सके। दरअसल दुनिया का हर देश जो प्रतिनिधित्व करता है, जो सदस्य है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का, उसकी अपनी बाध्यताएं हो जाती हैं जब खासकर फ्री ट्रेड की बात होती है, ताकि बेरोक टोक जो है बाजार चल सके, बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान्न है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे। लेकिन भारतीय किसानों को ऐसा लगता है कि अगर इसमें भारत कहीं ना कहीं किसानों के हितों के खिलाफ जाता है, और क्योंकि उसके ऊपर बाध्यता हो जाएगी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की और विश्व व्यापार संगठन की, तो कहीं ना कहीं सब्सिडीज उसकी कम हो जाएंगी, सरकार से किसानों को जो मदद मिलती है वो कम हो जाएगी, और इसीलिए उसके खिलाफ किसान जो है सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि ज्यादातर देश के किसानों को, या यूं समझिए कि शायद 95% किसानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है। और इन चुनौतियों के बीच भारतीय किसान यूनियन जैसी जो कुछ किसान नेता हैं वो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर हैं, ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर की, यमुना एक्सप्रेसवे के पास लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।